हेलो एंड वेलकम टू द सेवेंथ पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस वीडियो लेसन के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, रिलीजियस डिबेट्स इन पब्लिक एंड प्रिंट, रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, प्रिंटिंग ऑफ मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स। सो लेट्स बिगिन। यूरोप में हम प्रिंटिंग का इम्पैक्ट देख चुके थे, वहाँ पर मैंने डिबेट्स और डिस्कशन के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से इंडिया में भी प्रिंटिंग ने अपना रोल प्ले किया एंड इट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस। तो तरह तरह के ओपिनियंस जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते थे, सिर्फ उन्हें ही बढ़ावा नहीं दिया अमंगेस्ट कम्युनिटीज़, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, बल्कि इट कनेक्टेड कम्युनिटीज़। उसने समुदाय और लोगों को इकट्ठा भी किया, एक किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसमें न्यूज़पेपर्स ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो कन्वे करते थे मीन्स इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक प्रकार से पैन इंडियन आइडेंटिटी डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। पैन इंडियन आइडेंटिटी का मतलब, पैन इंडियन मीन्स विच एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल इंडिया आइडेंटिटी डेवलप करने में प्रिंट का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये जो डिबेट एंड डिस्कशंस को स्टिमुलेट करने वाली बात है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, और हम अपने टॉपिक्स को रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट से ही रिलेट कर इस वीडियो लेसन में स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक, रिलीजियस डिबेट्स कैरीड आउट इन पब्लिक एंड प्रिंट। तो लोगों के बीच में भी और प्रिंट में भी रिलीजियस डिबेट्स एंड डिस्कशंस देखने को मिलते थे। डिबेट्स वर अबाउट द चेंजेस हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी। तो डिबेट्स किसके बारे में होती थी, जब भारत गुलाम था, मींस एक कॉलोनियल सोसाइटी के रूप में था, कॉलोनियल इंडिया था, तो उस समय समाज में जो भी स्थितियाँ थी उन पर डिस्कशंस होते थे, उनमें क्या चेंजेस थी उन पर डिस्कशंस होते थे, और साथ ही साथ न्यू इंटरप्रिटेशंस, मतलब नई नई व्याख्याएँ, नए नए मतलब निकाले जाते थे ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो जो धर्म इंडिया में हैं उनमें जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं तो उनको इंटरप्रेट करते थे लोग अपने ढंग से, और जो भी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पर भी डिस्कशन होता था। ये हम यूरोप में भी देख चुके हैं पिछले के पार्ट्स में। सम कंपेन्ड फॉर रिफॉर्म्स, तो काफ़ी लोग रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। जबकि कुछ लोग जो कंजर्वेटिव्स थे वो इनके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करना चाहते थे कि जो रिफॉर्मर्स हैं उनकी बातें सही नहीं हैं और पुरानी व्यवस्था ठीक है। द प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड सच डिबेट्स। तो न्यूज़पेपर्स में इस तरह के डिबेट्स के बारे में छपता था, डिस्कशंस के बारे में छपता था, जो नए नए आइडियाज़ निकल के आ रहे थे लोगों के बीच में रिफॉर्म से रिलेटेड, वो सब छपते थे, मीन्स रिफॉर्म के फेवर में, अगेंस्ट में सब छपा करता था। और जब इसको लोग पढ़ते थे तो इसके पढ़ने की वजह से ये न्यूज़पेपर्स थे, दे सेव्ड द नेचर ऑफ डिबेट्स अमंग पीपल हु रेड और हर्ड अबाउट सच न्यू आइडियाज़। तो पढ़ते थे, सुनते थे, तो चर्चा करते थे, उनके दिमाग में ये बातें आती थी कि क्या ऐसे भी हो सकता है। और ये जो मीडिया है हमारा ना, विच कन्वेज आइडियाज़ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो इंटरनेट के माध्यम से कितना तेज़ी से आज वर्क कर रहा है। न्यू आइडियाज़ इमर्ज थ्रू क्लैशेज ऑफ ओपिनियंस। तो किसी का कोई ओपिनियन है, किसी का कोई ओपिनियन है, तो उनके ओपिनियंस में जो क्लैश होता था उससे नए आइडियाज़ इमर्ज होते थे। और जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो काफ़ी तादाद में थे, और दे पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशंस ऑन इशूज रिलेटेड टू चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। तो उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से नए आइडियाज़ इमर्ज होते थे। देयर वाज वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सच डिस्कशंस। तो इन डिस्कशंस के दौरान बहुत मुश्किल होता है कंजर्वेटिव्स के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करना और पुरानी व्यवस्था को तोड़ना, उसमें रिफॉर्म करना, तो इसका विरोध भी किया। और जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मीन्स जो कट्टर होते हैं, पुरानी परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, तो वो जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसका भी सामना करना पड़ा रिफॉर्मर्स को। तो हमारा अगला टॉपिक, कंट्रोवर्सीज बिटवीन द रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। तो जो सुधारवादी थे और जो कट्टर हिंदू थे, कट्टर उन्हें कहा जाता है जो चेंज नहीं होना चाहते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स सिर्फ रिलीजन में ही नहीं। कंट्रोवर्सीज अरोज ओवर मैटर्स ऑफ विडो इमोलेशंस। तो कंट्रोवर्सीज़ के ज़्यादातर मुद्दे होते थे जो विधवा थीं उन्हें सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर पति मर जाए तो उसकी चिता पर पत्नी को भी जला दिया जाता था, तो विडो इमोलेशंस कहा जाता है इसे। मोनोथीज्म मीन्स कि एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, जबकि हिंदू समाज में तमाम देवी देवताएँ प्रचलित हैं। तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन के लीडर्स थे वो कहते थे कि एक ही ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और हमारा वेद भी यही कहता है, वेदांत की तरफ लौटने की बातें होती थी। लेकिन जो ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड था उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज होता था कि कैसे हो सकता है इतना डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेम पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, और आइडोलेट्री मीन्स मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर भी प्रश्न उठते थे कि क्या ज़रूरत है इसकी, इंसान के अंदर वो अपने मन से
आत्मा से, हृदय से ईश्वर को याद कर सकता है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज थी जिनमें दो धाराएं थीं, रिफॉर्म चाहते थे, उनको चेंज करना चाहते थे, और जो इन्हें बनाए रखना चाहते थे वो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे। और बंगाल इसमें बहुत ही अग्रणी रहा है। तो बंगाल में जो ट्रैक्ट्स और जो न्यूज़पेपर्स सर्कुलेट होते थे तो उसमें इस प्रकार के आर्गुमेंट्स को पब्लिश किया जाता था, इनके फेवर में भी, इनके अगेंस्ट में भी लोग उनको पढ़ते थे। तो देवर सर्कुलेटेड अमंग पीपल, और वो भी ऐसी भाषाओं में सर्कुलेट किया जाता था जो ऑर्नी पीपल बोला करते थे। ऐसा इसलिए था जिससे कि न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, सो दैट दे कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, तो उन्होंने प्रिंट का इस्तेमाल किया और संवाद कौमुदी पत्रिका निकालनी शुरू की 1821 में, जिसमें अपने विचार लिखा करते थे और सुधारवादी बातें किया करते थे। अब ऑर्थोडॉक्स कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उसने चंद्रिका समाचार निकालना शुरू किया, जिसमें वो राजा राम मोहन राय के जो भी सुधारवादी आर्गूमेंट्स थे उनको काउंटर करते थे। तो देखिए मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जीत आखिर में रिफॉर्मेशन की होती है, क्योंकि लोग भी रिफॉर्म और चेंज चाहते हैं। 2% न्यूज़पेपर्स भी निकाले गए, जैसे जामे जहानामा और शमशुल अकबर 1822 में, और गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार 1822 में पब्लिश हुआ सेम ईयर में। तो ये तो बातें हो गई कि किस प्रकार से रिलीजियस कंट्रोवर्सीज थी, सुधारवादी भी थे और सुधारवादियों का विरोध करने वाले लोग भी थे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स को भी हमें स्टडी करना है। तो हमारा अगला टॉपिक मुस्लिम उलमा एंड प्रिंटिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड न्यूज़पेपर्स। तो उलमा हो गए जो मुस्लिम विद्वान हुआ करते थे, द कलेप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज़, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टीज़ कलेप्स हो रही थी खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और जो कॉलोनियल पावर थी वो बढ़ रही थी। तो इससे जो मुस्लिम उलमा थे उनका शक और उनकी चिंता बढ़ने लगी, ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं ये क्रिश्चियंस हैं और ये कन्वर्जन को बढ़ावा देंगे और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसे शरिया कहा जाता है उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने भी अपने तरीके अपनाए, उन्होंने प्रिंट का सहारा लिया और जो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस हैं जो सस्ती होती थी और उन्हें उकेर कर पत्थरों पर लकड़ियों पर प्रिंट तैयार किया जाता था, तो उन्होंने भी काउंटरिंग मेजर के रूप में इन्हें स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और दे पब्लिश्ड पर्सियन एंड उर्दू ट्रांसलेशंस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके उनके ट्रांसलेशंस उर्दू में दिए, जिससे कि लोग पढ़कर समझ सकें कि वास्तव में मुस्लिम और इस्लाम धर्म क्या कहता है, लोगों को उसका पालन करना चाहिए। तो ये इनकी कोशिशें थी। इसी में देवबंद सेमिनरी की बात आती है जो 1867 में फाउंड की गई, स्थापित की गई, और हजारों हजारों तादाद में फतवाज इशू किए गए। फतवा उन्हें कहा जाता है जो इस्लामिक लॉ के आधार पर लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए इशू किए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो फतवाज वर इशू टू ट्रेन मुस्लिम्स इन इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेली लाइफ कंडक्ट्स, कि उन्हें प्रतिदिन या जीवन किस प्रकार का जीना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। फतवा आज भी इशू होते हैं, लेकिन उस वक्त वो इसे काउंटरिंग मेजर के रूप में देखते थे। मैनी मोर सेमिनरीज अपीयर्ड, फिर धीरे धीरे और भी सेमिनरीज स्थापित हुई 19th century में, और ये जो सेमिनरीज थी ये अपनी फॉलोइंग्स बढ़ाने में लगी रहती थी और उर्दू प्रिंट का इस्तेमाल करती थी टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर अपोनेंट्स। तो अब पता चला कि कई सेमिनरीज हैं, तो हर सेमिनरी कोशिश करती है कि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हों, तो आपस में एक दूसरे का अपोनेंट समझ कर उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी उर्दू प्रिंट का सहारा लेती थी। तो ये तो हो गया मुस्लिम प्रिंटिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस का, जो तुलसीदास के द्वारा 16th century में लिखी गई थी, तो इसका पहला प्रिंट एडिशन 1810 में निकाला गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि रामचरितमानस हाथ से लिखी जाती थी और इसे कभी तुलसीदास ने अपने हाथ से लिखा था, वो ओरिजिनल कॉपी थी, बाद में इसकी नकल भी हाथ से उतारी जाती थी, लेकिन इसे प्रिंट किया गया 1810 में। लिथोग्राफिक एडिशंस मीन्स जो चीप प्रिंटिंग के जो तरीके थे उनका प्रयोग कर करके इंडियन मार्केट्स में छा गए रिलीजियस टेक्स्ट्स और उनके डिफरेंट एडिशंस। नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, इन दोनों प्रेसेस ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मीन्स स्थानीय भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना स्टार्ट किया। और आज भी देखिए छोटी छोटी पॉकेट्स मिल जाती हैं बुक्स, धार्मिक पुस्तकें सस्ते में। साथ ही जो पोर्टेबल फॉर्म्स होते थे प्रिंट के, जो यहाँ वहाँ ले जाए जा सकते थे अपने समय के अनुसार, जहाँ जगह चाहे वहाँ पर बैठ के हम पढ़ सकते थे, और जो अनपढ़ ऑडियंस थी उन्हें भी पढ़कर सुनाया जा सकता था, कुड बी रेड आउट टू लार्ज इलिटरेट ऑडियंस। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इनकरेज्ड डिस्कशंस, यानी आपस में विचार विमर्श, डिबेट, बहस, कंट्रोवर्सीज, इन सब को रिलीजियस टेक्स्ट के पब्लिकेशंस ने बढ़ावा दिया विद इन एंड अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। तो धर्म के अंदर, यानी हिंदू हैं तो हिंदुओं के बीच में
और भी धर्म हैं उनके आपस में भी डिफरेंट डिस्कशंस को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से वीडियो लेसन यही ख़त्म होता है। इसमें हमने प्रिंटिंग और प्रिंटिंग की वजह से जो डिफरेंट डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे रिलीजन से रिलेटेड, उसके बारे में स्टडी किया, और रिफॉर्मर्स और ऑर्थोडॉक्सी के बीच में जो कंट्रोवर्सीज थी उसमें प्रिंट की क्या भूमिका थी, ये भी हमने पढ़ा। सो एंडिंग दिस पार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेसन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।